पीएम जो हरे रंग की बटन जो चल रही है तो फिर ये इसका मतलब ये रेडी है, अंदर जो मतदाता जाता है वोट डाल सकता है। अब आप वोट डालने के बाद इसमें देखिए वोट डाल के देखिए कि जिसको डालना है उसको पढ़ रहा है कि नहीं। अब विंडो में देखिए उसी को पढ़ रहा है कि नहीं, वही सिंबल निकल रहा है कि नहीं। जी डालिए और विंडो में देखिए आप, वो नीले नीले बटन को विंडो में देखिए आप, इसको डाला इधर आप देख सकते हैं, ठीक है आपने जो दबाया वही आया हुआ है, आपको इतने सेकंड दिखेगा फिर वो कट के बदले गए जाएगा। हमें पांच मशीन लास्ट में जो है वो भी काउंट करना पड़ता है। और कोई है अजय नंबर बलट दवाई सर, बलट दवाई पब्लिक है कर्मचारी है वोट डाले इसके पहले आपने जहाँ दबाया वही दिख रहा है ना, इसका मतलब वो वोट पोल हो गई, ये प्रमाण हो गए, क्योंकि आपको देखने के लिए कई बार लोग थोड़ा बुजुर्ग होते हैं देखने में थोड़ा वो लगता है, इसीलिए इतने सेकंड होता है फिर कट चल रहता है। जैसे चुनाव नजदीक है और ये ईवीएम मशीन वीवीपैट इसकी जागरूकता आम जन तक पहुंचवाने के लिए इस तरह की हम डेमोन्स्ट्रेशन रखे हैं, तो कोई भी इसमें पब्लिक आके इसको अपना डमी वोट डाल के देख सकते हैं कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट इसमें काम कर रहा है। हमें कहाँ कहाँ प्रशिक्षण इसका चल रहा है? ये अभी फिलहाल जो चारों तहसील को तीनों तहसील और मुख्यालय सो दो दो मशीनें दिए हुए हैं और एक वैन भी आएगा जिसमें मशीन लगा के ये हर गांव पंचायत को और हर वार्ड को भी जाएगा, जिससे कि वहाँ जाके लोग अपना इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं। क्या इसके लिए गांव में चौपाल भी लगाया जाएगा क्या? नहीं, वैन जाएगा और एक वहां जो पहले से कमेटी बनी हुई है वो लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और उनके बीच में जाके इसको कैसे ये काम करता है इसके बारे में समझाया भी जाएगा और जागरूक भी की जाएगी। सर कभी कभी ईवीएम को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ होती हैं तो उसके लिए कैसे आप लोग? मैं भी आपके सामने दबा के दिखाया था और बाकी जो चीज़ें हैं जब भी स्ट्रांग रूम जहाँ पे ईवीएम रखा जाता है उसको खोलना हो या बंद करना हो ये राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण के सामने उसको किया जाता है और हर एक मशीन की जो मूवमेंट है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक की जाती है और उसकी सूची भी राजनीतिक दलों को दिया गया है। नहीं ये भ्रांति है, कई बार इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये डिसाइड हो चुका है, इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। हम हर लेवल पे जैसे अभी फर्स्ट लेवल चेकिंग जो हुआ था उस समय भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण आए थे, उनके सामने ही सब कुछ होता है, यानी स्ट्रांग रूम जब भी खोला जाता है उस समय सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण के समक्ष ही किया जाता है।